दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑफ नॉट सर में स्वागत है। आज से आपकी एक नई क्लास शुरू हो रही है जो कि सर पढ़ाएंगे, और सर जो है इनके पास 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है और ये अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को तथा लाइक कीजिएगा, ठीक। तो सर का ये कहना है कि अगर हमारा वीडियो 500 से ज़्यादा बच्चे देखते हैं तभी हम अगला पार्ट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये लगे कि हाँ आपके लिए उपयोगी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज हम लाभ और हानि के पहला भाग हम बताने जा रहे हैं। हमने सोचा कि लॉकडाउन है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हमने विचार बनाया कि लाओ कुछ हम वीडियो हम बनाए, वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को हम कुछ ज्ञान देते रहे। तो सबसे पहला था भाग नंबर एक, हम बना रहे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि आप लोग जानते हैं, लाभ का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब क्या होता है। लाभ का मतलब है जैसे हम कम में खरीदें ज़्यादा में बेचें तो हम कह सकते हैं कि हमें लाभ हुआ, इसे तो हम लाभ कहते हैं। हानि का मतलब है कि जैसे हम ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें, मतलब हम 200 रुपये में खरीदें और 180 रुपये में बेचें, तो इसका मतलब ये है कि हमें हानि हुआ। तो आज हम आप लोगों को हम बताएंगे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि, लाभ का मतलब क्या है, हानि का मतलब क्या है, हम आपको 10 नियम, आज हम 10 नियम बताएंगे। उस 10 नियम को अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा, और हम डेली हम कम से कम 5 नियम 7 नियम 5 नियम 7 नियम आप लोगों को हम बताते रहेंगे। तो वीडियो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, इसमें आपको पूरा नियम मिलेगा। जैसे पहला नियम, पहला नियम है, पहले नियम में जैसे लिखा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 240 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। अब समझ लीजिए क्रय मूल्य, अब बात इस पर आती है क्रय मूल्य है क्या, विक्रय मूल्य क्या है, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो हम बताना चाहते हैं कि जैसे कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदते हो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और उसी वस्तु को अगर हम बेचेंगे तो जितने रुपए में बेचेंगे हम उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब बात आइए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत का मतलब कि 100 पर कितने रुपए का लाभ हुआ उसी को हम कहते हैं प्रतिशत लाभ। लाभ और प्रतिशत लाभ दो है, हम पहले आपको हम बताएंगे प्रतिशत लाभ निकालना बताएंगे। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए देखिए, हम पहले देखते हैं कि प्रतिशत, प्रतिशत लाभ बराबर होते हैं 100 × लाभ बटे क्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब अगर हमका प्रतिशत लाभ निकाले का है तो प्रतिशत लाभ का मतलब क्या है जो हमें निकालना है उसका पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। भाई अगर हमें सूत्र याद है
तभी तो हमें मालूम है, मालूम होना है, मतलब मालूम होगा कि हमें किस में रखना है, क्या चीज निकालना है, क्या चीज दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं। जैसे प्रतिशत लाभ निकालेगा तो 100 × लाभ बटे क्रय मूल्य, अगर प्रतिशत लाभ निकालना है इसका मतलब हमें लाभ और क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं इसमें क्रय मूल्य तो ज्ञात है, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात है लेकिन हमें लाभ नहीं ज्ञात है। अब लेकिन कुछ बच्चे हमारे कहते होंगे कि गुरुजी देखिए झूठ बोल रहे हैं, जबकि कहा है लाभ दिया गया है। लाभ नहीं दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है। प्रतिशत लाभ और लाभ में अंतर है। लाभ का मतलब कि जितने रुपए में आप खरीदे पूरे का लाभ है, और प्रतिशत लाभ का मतलब 100 पर कितने का लाभ हुआ उसको कहते हैं प्रतिशत लाभ। तो अब देख लीजिए, अब हमारा काम जो है रुक रहा है लाभ, जब तक लाभ नहीं निकलेगा हम प्रतिशत लाभ नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब अब हमें मालूम होगा कि प्रतिशत लाभ यदि हमें निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमें लाभ दिया गया है, क्या हमें क्रय मूल्य दिया गया है। अगर मान लीजिए नहीं दिया गया है तो वो कहां से निकलेगा ये देखिए। अब जैसे हम लाभ हमको निकालना है, लाभ निकलेगा तो प्रतिशत लाभ निकलेगा। अब क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, अब हमें निकालना है लाभ। तो चूंकि हम जानते हैं पहले लाभ निकालेंगे, और लाभ बराबर होते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ। अगर हमें लाभ निकालना है कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य जब घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा लाभ है। जैसे विक्रय मूल्य पहले तो हम बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, इसको कतई ना भूलिए, हमारे बच्चे इसको बिल्कुल याद रखेंगे, दिमाग में नोट कर लेंगे कि हम बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, हम बराबर नीचे बराबर लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है 240 रुपए, तो 240 लिखेंगे, फिर माइनस है माइनस लिखेंगे, फिर लिखा हुआ क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा दिया गया 200 रुपए, यानी फिर लिखेंगे 200 रुपए, यानी बराबर। अब हम जब 240 रुपए में से जब हम 200 घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा लाभ। अब 240 में से 200 घटाइए, 240 माइनस 200, आप देखिए 0 में से 0 गए 0, अब 4 में से 0 गए 4, अब 2 में से 2 गए कुछ नहीं, यानी इसका मतलब हमारा आ गया 40 रुपए। अब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 240 रुपए में बेच दिया गया तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं हमें 40 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर कह दिया जाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम चूंकि ये प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, लाभ अगर हमको लाभ निकालना होता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमारा आंसर यही हम लिख देते हैं आंसर। लेकिन कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ, इसमें दो जो निकालना है इसमें निकालना है प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ निकलेगा कब, यानी कहने का मतलब जब हम लाभ निकालेंगे, पहले लाभ निकालने के बाद बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, 100 × 100 लिखिए इंटू लाभ, और लाभ हम निकाले ही 40 रुपया, लाभ कितना निकाले ही 40 रुपया, तो 40 बजे बटे लिखिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा है 200 रुपए, बटे हम 200 रुपए लिखेंगे, बटे 200 रुपए मिल गया। अब इसको हम काटेंगे, अब इसको काटेंगे तो इसको काटने के लिए देखिए कैसे काटेंगे, यानी 100 × 40/200, देखिए यानी कि 0 से ये 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब यानी कि दोनों अंश और हर एक ही गिनती से काटेंगे, अगर हर को हम 2 से काटेंगे, 2 का गुणनफल, तो अंश को भी 2 ही से काटेंगे हम, 2 × 4 = 0, 0 लिख के अब 1 से कट गए, मतलब
20, अब 20 है क्या? अब यहां 20 के आगे रुपए अगर लिख देंगे तो हमारा पूरा मेहनत सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे प्रतिशत लाभ। अब हमारा प्रतिशत लाभ आएगा 20%। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर कोई चीज अगर 200 रुपए में खरीदते हो और 240 रुपए में बेचते हो तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो 20% का लाभ होगा। अब समझ लीजिए, मान लीजिए तुम्हारे सामने कभी ऐसी सीन आती है कि हमें खरीदने वाला मूल्य दिया गया हो और बेचने वाला मूल्य दिया गया हो और हमें प्रतिशत लाभ निकालना हो, तो हम प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? तो एक दिमाग में बसा लीजिए कि प्रतिशत लाभ निकालेगा तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के बाद निकले के बाद हम तब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ बराबर होता है 100 × लाभ / क्रय मूल्य। तो 100 लिखेंगे इंटू लाभ। अगर हम लाभ नहीं निकालेंगे तो लाभ लिखेंगे क्या? इसलिए हमको लाभ निकालना जरूरी है। तो लाभ लिखेंगे अब बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्यों लिखते हैं? क्योंकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो क्रय मूल्य पर ही निर्भर रहता है। अब ये तो हमारा पहला नियम है। अब पहला नियम क्या है कि अगर हमका क्रय मूल्य दिए हैं, अब विक्रय मूल्य दिए हैं और प्रतिशत लाभ निकाले का है, तो प्रतिशत लाभ यदि निकालना है तो विक्रय मूल्य का दाम ज्यादा होगा और क्रय मूल्य का दाम कम होगा, तब हमारा प्रतिशत लाभ निकलेगा। कभी अगर ऐसी सीन आती है तो समझ लेना, पार्ट वन जो बनाए हैं उसका पहला नियम है। अब पहला नियम देख करके पूरे मतलब उस सवाल को देखिए, कितने रुपए में खरीदा गया है वो हमारे लिखिए, हल में लिखिए क्रय मूल्य बराबर इतना, फिर देखिए कितने रुपए में बेचा गया है, फिर लिखेंगे सुंदर राइटिंग में विक्रय मूल्य बराबर इतना, फिर देखेंगे क्या हमें निकालना है तो उसमें लिखा हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, फिर लिखिए तीसरी लाइन में सुंदर राइटिंग में प्रतिशत लाभ बराबर हुआ। अब फिर उसके बाद अपने पार्ट वन में पहला नियम देख करके इसी तरह से लगा लीजिए। अब देखिए नियम दूसरा, अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम, अब हमारे बच्चे सोचते होंगे कि दूसरा नियम भी तो वही है कि इसमें भी क्रय मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य दिया गया है, लेकिन ये देखिए नियम एक में क्रय मूल्य का दाम कम था, अब विक्रय मूल्य का दाम ज्यादा था, इसलिए हम प्रतिशत लाभ निकाले। लेकिन इसमें खरीदने वाला दाम, जैसे हम मान लिया कोनो चीज हम 200 रुपया में खरीदी हम और 180 रुपये बेची, तो का हम ये कह सके थे कि 20 रुपया हमका लाभ? नहीं कह सकते हैं। 20 रुपये लाभ कब हुए? जब हम 200 रुपया खरीदे ही अब 220 रुपया बेची, मतलब खरीदे वाले दाम से ज्यादा अगर बेचे तो लाभ कह सकते हैं, लेकिन हम खरीदा तो 200 गए, अब बेचा तो 180 रुपया गए, तो मतलब हम तो कह ही सकते हैं कि हमें 20 रुपए की हानि हुई। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है कितने रुपए की हानि, अगर यहां यही प्रतिशत कट जाता और यहां हो जाता है हानि ज्ञात कीजिए तो आसान था, प्रतिशत हानि है तो और आसान हुई, और आसान हो गया। और आसान का मतलब अब हमें प्रतिशत हानि निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर होते हैं 100 × हानि बटे क्रय मूल्य, यही होता है। समझा पहले, अगर कभो हमारे सामने ऐसी सीन आती है कि हमका क्रय मूल्य देना है अब विक्रय मूल्य देना है, प्रतिशत हानि निकाले का है, प्रतिशत हानि निकाला कैसे? यही कहने का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत हानि बराबर होते हैं 100 × हानि बटे क्रय मूल्य, तो प्रतिशत हानि निकलेगा। एक है मतलब कि हमका हानि मालूम हो चाहिए
और क्रय मूल्य मालूम हो जाए। अरे यार, कहने का मतलब कि जब हमका मान लिया कोनो कुआं से पानी निकाले के बाद, तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि हम कुएं से पानी निकालेंगे कैसे। बाल्टी अकेले से तो नहीं बनेगा काम, उबाहन लागे। उबाहन और बाल्टी जब दोनों रहे तभी तो हम पानी निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम प्रतिशत हानि अगर निकाले का है तो प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, जब हमका हानि और क्रय मूल्य मालूम हो जाए तो प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। अब देखिए, समझो भाई, इसका मतलब कि सबसे भाई क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हमको दिया गया है लेकिन हमको हानि नहीं दिया गया है। अगर कुछ बच्चे अगर ये सोचते होंगे कि हानि दिया गया है तो मतलब गलत है, क्योंकि हानि नहीं दिया गया है, प्रतिशत हानि है। ये हम प्रतिशत हानि है, इसको याद रखे रहिएगा। तो कहने का मतलब हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो सुंदर राइटिंग लिखेंगे हम। किस राइटिंग लिखेंगे? सुंदर राइटिंग में हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कहने का मतलब हानि निकला घटा, जब हम अपने खरीदे वाले दाम से बेचे वाला दाम घटाओ तो हानि निकली। अब बेचे वाले दाम से जितने बेचे ही, अगर वो हम से अगर खरीदे वाला दाम घटाओ तो लाभ निकले, सीधी बात। तो हानि, अब हानि कैसे निकली? अब हानि बराबर होगा क्रय मूल्य। अब बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, हमारे बच्चे बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। पहली बात तो हम अगर हम फेयर बनाएंगे तो बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। ये देखिए, क्या हमारा बराबर जो है, क्या बराबर नीचे बराबर है? अगर है तो सही है, बराबर नीचे बराबर लिखेंगे। क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दिया गया 200 रुपए, इसका मतलब जहां क्रय मूल्य लिखा हुआ हम क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, क्रय मूल्य की जगह 200 लिखेंगे। माइनस विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य बराबर 180 रुपए, एक है मतलब विक्रय मूल्य की जगह पे हम 180 लिख देंगे। अब हम 200 में से 180 घटाएंगे। अगर हम 200 में से 180 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 में से 0 गए 0। अब यहां से एक उधार ले जाएंगे, ये बनेगा 10। अब 10 में से 8 निकाल दीजिए। अब 10 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो बचेगा 2। अब यहां बचा 1, क्योंकि हमने हाथ मतलब की उधार दिया है, 1 में से गए कुछ नहीं। यही कहने का मतलब ये हमारा आ गया 20 रुपए। अब इसको हम रुपए कह सकते हैं, हानि निकला है, प्रतिशत हानि नहीं निकला है, इसको याद रखिएगा। पहले सबसे पहले हानि निकालेंगे, हानि निकलेगा कब? जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा निकलेगा हानि। लेकिन हमें हानि तो नहीं कह रहा निकालने के लिए, कह रहा प्रतिशत हानि निकालिए। तो प्रतिशत हानि मजबूरी है मेरे सामने कि प्रतिशत हानि कब निकलेगा? जब पहले हानि निकले। कुछ बच्चे कहते होंगे, गुरु जी कहे बड़े हानि निकल, प्रतिशत हानि निकाले ग्रहण तो गुरु जी प्रतिशत हानि निकाल देते हैं, कागरे हानि निकाला तो दिक्कत है मेरे सामने, दिक्कत है। क्योंकि अब इसमें सूत्र में हमारे हानि, तो जब तक हानि नहीं निकलेगा, हानि का मान नहीं निकालेंगे, तब तक हम यहाँ क्या रखेंगे हम हानि की जगह पर? इसलिए सबसे पहले हम हानि निकाले। और हानि कैसे निकाला जाता है? खरीदे वाले यानी क्रय मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा हानि निकलता है, और लाभ कब निकलता है? इसी का उल्टा, जब विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा लाभ निकलता है। अब आ जाइए, फिर वही गलती ना करिए। बराबर नीचे हम बराबर लिखेंगे, 100 है 100 लिखेंगे हम, इंटू हानि। और हानि देखिए, हानि इसमें देखिए कहां है, ये तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, हानि ये निकाले हैं, तो हानि है 20 रुपए। यहां लिखेंगे 20 रुपए बटे क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य हमारा है 200 रुपए बटे 200 रुपए। अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब इसी को काटेंगे हम, यानी कहने का मतलब 100 × 20 बटे 200 ये है। देखिए 0 से 0 करिएगा,
अब फिर जीरो जीरो कर दिया, अब बीस नहीं है, बीस ही है, तो बीस से बीस कर दिया, अब हमारा बचा कितना दस, इसका मतलब हमारा ये दस आ गया। लेकिन जब हान निकालेंगे, जो हान निकालेंगे वो रुपए में आएगा, लेकिन जो प्रतिशत हान निकालेंगे वो आएगा प्रतिशत में, दस प्रतिशत हान यही होगा। इसका मतलब ये है, हम मान लेते हैं किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेच दिया जाए तो हमें कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो अब एक और देख लीजिए, जैसे भाई इसी में दो क्वेश्चन, अगर कह दिया जाए किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेच दिया जाए तो कितने रुपए की हानि होगी और कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि होगी तो हानि भी निकालना है, प्रतिशत हानि भी निकालना है, लेकिन अगर कितने प्रतिशत की हानि है तो हमको हानि तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि हानि अगर नहीं निकालेंगे तो प्रतिशत हानि हमारा निकलेगा नहीं। तो यह है पार्ट वन का दूसरा नियम। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, पूरा देखिए, विधिवत देखिए, पेन कॉपी पहले ले करके बैठ जाइए और पूरा उतार लीजिए, काम अपना एक नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे, लाइक करेंगे, अगर आप सबका अगर आता है कि मतलब कि गुरुजी नहीं आप बनाइए हम पढ़ेंगे, हम लॉकडाउन है, कहीं हमको जाने को नहीं मिल रहा है, कहीं कोचिंग करने को नहीं मिल रहा है, आप तो हम आप लोगों को हम कुछ ना कुछ यहाँ से हम देते रहेंगे, लेकिन जो भी नियम हम बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, अब उसको आप ध्यान से देखिए। लेकिन अब दूसरा नियम क्या है, अब अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है कि हमका क्रय मूल्य देना है, अब विक्रय मूल्य देना है, प्रतिशत हानि निकालेगा है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो पार्ट वन में चले जाइए, उसमें देख लीजिए नियम दो, दूसरा नियम देख करके समझ लीजिए और उस नियम के सवाल लगा लीजिए। देखिए यानी तीसरा नियम, जैसे हमने कहा शुरू से आखिरी तक अगर आप देखेंगे पूरा नियम पाएंगे, आप विधिवत बताएंगे, जो भी सवाल पाएंगे हम विधिवत बताएंगे कि हमारे बच्चे घर बैठे कम से कम उतने नियम तैयार कर लें, उस नियम को कहीं किसी के पास जाना ना हो कि हम उसी नियम को हम वीडियो में देखे, समझ में नहीं आया हम दूसरी जगह जा करके समझ में आया तो वीडियो हमारे वीडियो बनाने से फायदा क्या है। देखिए हर कभी तुम्हारे सामने अगर ऐसी सीन आती है कि क्रय मूल्य दिए हो, क्रय मूल्य दिया है 300 रुपया, प्रतिशत लाभ दिया है 20%, अब विक्रय मूल्य निकाले का है। अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने कभी ऐसी सीन आती है कि जैसे कह दी जाए कि किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर, यानी कहने का मतलब किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, यानी 200 रुपया खरीदे, अब 20% लाभ पर बेच दीजिएगा, तो कह रहा है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। बात यह है कि उस जो वस्तु हमने 200 रुपए में खरीदा था, अब 20% लाभ पर जो हमने बेचा, उस वस्तु पर हमें क्या धनराशि मिली, यानी कि कितने में हमने बेचा, यही हमको निकालना है। जब कभी ऐसी सीन आती है कि हमको मतलब कि क्रय मूल्य दिए हैं और प्रतिशत लाभ दिया गया है और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, आप कहीं ध्यान से देखिए। तो चूंकि हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ।
अगर हमें विक्रय मूल्य निकालने का है तो विक्रय मूल्य कैसे निकले, पहले तो हम जानेंगे ना कि समझेंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए कई नियम है, लेकिन विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहला नियम, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का पहला नियम क्या है, यानी कि अगर हम यानी कि पहला नियम जिसे क्रय मूल्य दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य अगर निकालने का है तो विक्रय मूल्य निकालने से पहले हमें नियम मालूम होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए कि विक्रय मूल्य निकलेगा कैसे। तो अब हम विक्रय मूल्य के बारे में जानेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ, यानी जैसे हम 200 रुपया का खरीदे, 200 रुपया खरीदे, अब 20 रुपया लाभ पाए बेचते हैं तो एक है 220 रुपया बेचे, तो ये है। लेकिन अब इसमें देखिए, तभी हमें क्रय मूल्य दिए हैं, क्रय मूल्य की जगह पर हम क्रय मूल्य लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन धन लाभ नहीं दिए हैं। अब देखा लाभ नहीं दे, अब फिर वही बार बार हम कहेंगे, बच्चे समझते होंगे लाभ क्यों नहीं दिया गया, लाभ तो दिया गया है, लाभ नहीं है ये, प्रतिशत लाभ है। अब ये कह दीजिए राम और परशुराम अंतर है, राम आएगी कहना है परशुराम तो आएगी, परशुराम और राम में अंतर है भाई। तो परशुराम कौन है जानकारी कर लीजिए, राम कौन है उसको जानकारी कर लीजिए, उसी तरह से लाभ क्या है उसको जानकारी कर लीजिए, और प्रतिशत लाभ क्या है उसको जानकारी कर लीजिए। जैसा कि हमने कहा प्रतिशत, यानी 100 पर जितने रुपए का लाभ हो उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत लाभ। प्रतिशत हानि का मतलब 100 रुपए पर हमें जितने रुपए की हानि हुई है उसी को हम कहते हैं प्रतिशत हानि। जैसे 100 रुपया पर अगर हमका 10 रुपये का घाटा लग गया तो हम कह सकते हैं कि 10% का हमका घाटा हो गया। अगर हम 10 यानी 100 रुपये की चीज पर और 110 के बेचे, यानी कि 10 रुपये लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं 10% का हमका, यानी 100 पर हमें 10 रुपये का लाभ हुआ है, इसलिए हम 10% का लाभ हुआ। तो अब देखिए, तो बात आई इस पर कि विक्रय मूल्य कैसे निकले, तो विक्रय मूल्य के लिए हमारे सूत्र हमको याद होना चाहिए, विक्रय मूल्य के मतलब क्रय मूल्य और धन लाभ। अब आ जाइए, तो अब लाभ निकालेंगे कैसे, अगर कभी हमारे सामने ऐसी सीन दिए हैं कि क्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत लाभ दिया गया है और हमें लाभ अगर निकालना है तो सुंदर राइटिंग लिखेंगे लाभ बराबर, पहले अब लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकालेंगे, पहले देखा लाभ यानी क्रय मूल्य कितना दिए हैं, क्रय मूल्य दिया 300 रुपया, 300 लिखा इनटू कितने प्रतिशत का हुआ है 20%, तो 20/100। अगर हमें 30% का लाभ होता तो यहां 30/100 लिख देते, अगर 40% का लाभ है तो 40/100 लिख देते। यानी कहने का मतलब अगर हमें क्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत लाभ दिया गया है और हमें लाभ के बिना काम रुकता है, का बताइए लाभ अगर निकल जाते तो हम विक्रय मूल्य निकाल लिए, तो क्या दिक्कत है लाभ निकालने के लिए। अरे भाई चूंकि हम जानते हैं लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर होगा जितने रुपए में खरीदे हो, जितना क्रय मूल्य है 300 रुपए इंटू जय परसेंट के लाभ होता है, अगर 20% लाभ होता है 20/100। अब इसी को काटेंगे हम, अभी देखिए 300 इंटू 20/100, यानी कहने का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, ये नीचे एक है, एक का मतलब कुछ नहीं, तो एक का मतलब भी नहीं, तो 20 × 7 यानी कि 60 रुपए। यानी कि अगर हम मान लीजिए कोई चीज, हम कोई वस्तु अगर 300 रुपए में खरीदेंगे, अब 20% लाभ पर अगर बेचेंगे, अब कोई हमसे पूछेगा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 60 रुपए का लाभ हुआ। अगर पूछ लिए कैसे, तो कह देंगे 20% का लाभ मतलब 100 पर 20, तो 240 और 300 पर 60, यानी 100 पर 20% का लाभ, 20 रुपया लाभ होता है। जब 100 रुपया 20 रुपया लाभ होता है तो 200 पर कितना हो गया 2 20 लाभ हो, यानी कि 40, और 300 पर कितने का लाभ होगा 3 20 लाभ हो गए, 60 रुपए लाभ होगा। और मतलब निकालना है तो हम लाभ बराबर जितना यानी क्रय मूल्य है इंटू जितने प्रतिशत का लाभ है उतना बटे उतना कर देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है, अब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ। अब क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए, क्रय मूल्य 300 रुपए है, अब हम लाभ, और लाभ हम कितना निकाले हैं 60 रुपए,
यदि 300 रुपए ये और 60 रुपए ये, 300 रुपए और 60 रुपए और मिल जाए तो ये हो जाए 360 रुपया। तो ये नहीं कहने का मतलब कि अगर कह दिया जाए किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया गया तो हमें यानी कितने रुपए में उस वस्तु को बेचा गया, तो हम कह सकते हैं 360 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया। तो अब याद रखे रहिएगा, मतलब पार्ट वन का तीसरा नियम जरूर देखिएगा, और अगर ऐसी सीन आती है कभी क्रय मूल्य अगर दिए हो, प्रतिशत लाभ दिए हो और विक्रय मूल्य याद करना हो तो ऐसे निकालेंगे, उसमें तीसरा नियम लगा लीजिएगा। अब देखिए पार्ट वन का चौथा नियम और विधिवत देखिएगा। अगर हमारा वीडियो देखिए तो फिर कहीं दिमाग नहीं होना चाहिए, उसी वीडियो पर ही दिमाग डालिए। कोई लॉकडाउन है कुछ फायदा लीजिए, घर बैठे कुछ फायदा लीजिए, ये तो है नहीं कि आपको फीस देना है, गुरुजी उससे फीस नहीं लेते हैं, पढ़ाते हैं ठीक। तो कम से कम अगर हमें कोई चीज़ फ्री मिल रहा है उसको लेने में क्या दिक्कत है, लेंगे और कायदे से लेंगे। फिर अब देखिए चौथा नियम क्या है, ध्यान से देखिए, घर बैठे देखिए, प्रधानमंत्री के कहा काम होता है कि लॉकडाउन है भाई बाहर ना निकलिए, उनका भी कहना हो रहा है, अब गुरुजी हमारे कहे हैं घर बैठे देखिए, उनका भी हम दोनों का सम्मान कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, अपने गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं। तो देख अगर कहीं दिक्कत हो बताइएगा, नहीं अगर सवाल न समझ में आवे हमको बताइएगा। तो अब यही कभी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है, अब इस क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य हम बार बार बता रहे हैं जितने रुपए में खरीदते हैं वही क्रय मूल्य है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, देख रहे हैं वीडियो, पापा बगल में बैठे हैं, उन्होंने पूछा कि भैया क्रय मूल्य क्या है, अब यानी वीडियो पूरा वीडियो खत्म हो गया, कहें क्रय मूल्य क्या है, कहें पापा का बताया जन में नहीं गए, क्यों नहीं बताओ कि पापा जित कोई वस्तु जितने रुपए में हम खरीदते हैं उसी को क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं कहिए पापा, हम जिसे किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये तो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में चार विक्रय मूल्य बताएंगे, चार तरीकों से विक्रय मूल्य निकलता है, पांचवा तरीका नहीं है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य का दूसरा नियम क्या है, हम लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, हमने राइटिंग लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब अगर हमका विक्रय मूल्य निकाले का है तो चाहिए कि विक्रय मूल्य के नियम कब लागे, जब हमारा क्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ दिया गया हो, अगर क्रय मूल्य देना है प्रतिशत लाभ देना है और हमें विक्रय मूल्य निकाले का है तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम सुंदर राइटिंग में लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब हमें देखा क्रय मूल्य तो दिया गया है लेकिन हमें हानि नहीं दिया गया बल्कि प्रतिशत हानि दिया गया, इस प्रतिशत हानि को पहले हानि में बदलेंगे, अर्थात पहले हानि निकालेंगे। अब हानि कैसे निकालेंगे, अब हमको हानि निकालना है तो सुंदर राइटिंग लिखेंगे हानि बराबर, अब देखिए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदे हो, 500 रुपए में, 500 लिख दीजिए इंटू, और कितने प्रतिशत हानि में बेचे हो तो इन्हीं हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिशत हानि है 30% का है, तो यहां लिखेंगे 30/100।
अगर किसी वस्तु को 30% हानि पर अगर बेचेंगे तो 30/100 लिखेंगे, यदि किसी वस्तु को 40% हानि पर अगर बेचेंगे तो 40/100 लिखेंगे, और आगे कहने की बात नहीं कि अगर हम 50% लाभ पर अगर बेचेंगे तो 50/100 होगा, इतना तो याद ही होना चाहिए। अब हानि निकालेंगे, अब इसी को काटेंगे हम, देखिए सुंदर राइटिंग, कहीं हम इसमें नहीं काटेंगे, कहीं हम बगल में लिख करके जहां जगह हो वहां लिख दीजिए 500 × 30/100। अब देखिए जीरो से जीरो करिएगा, ये जीरो से जीरो करिएगा, एक का मतलब कुछ नहीं। अब 50 ही बचा है, इनटू 3 ही बचा है, तो 50 ये न्या, अगर 50 50 के तीन नोट मिल जाए तो 50 50 100 और 50 से 150 होगा, यानी कहने का मतलब हमारा होगा 150 रुपए। ये क्या चीज है, ये हानि है। इसका मतलब अगर हम किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदें और उसको 30% हानि पर बेच दें तो हमें कितने रुपए की हानि होगी, तो 150 रुपए की हानि होगी। लेकिन तो कितने रुपए की हानि होगी, 150 रुपए की हानि होगी, लेकिन कह रहा कितने रुपए में बेचा गया उस वस्तु को, कितने रुपए में बेचा गया, बेचे वाला अगर दाम निकाले का है तो क्या मतलब हमें विक्रय मूल्य निकाले का है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, बराबर है बराबर लिखा, बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, बराबर नीचे बराबर लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना दिए हैं 500 रुपए, एक एक इसका मतलब ये हुआ जहां क्रय मूल्य लिखा हुआ हम क्रय मूल्य की जगह पर लिखेंगे 500, माइनस है माइनस लिखिए हानि। अब हानि, ये हानि नहीं लिखेंगे, भूलिए मत, ध्यान दीजिए, हानि लिख रहे हो या प्रतिशत हानि लिख रहे हो, अगर यहाँ प्रतिशत हानि लिखा गया होता तो यहाँ 30 लिखते, लेकिन यहाँ प्रतिशत हानि नहीं लिखा गया, यहाँ केवल हानि लिखा गया है, हानि लिखा गया है तो यहाँ हमने हानि निकाला है, हानि बराबर 150 रुपए। ये हानि की जगह पर हम 150 लिखेंगे, अगर प्रतिशत हानि कहीं लिखा होता तो हम 30 लिखते, तो यहाँ केवल हानि लिखा गया है इसलिए हम 150 लिखेंगे, 150 बराबर। अब 500 में से, यानी कहने का मतलब हम 500 में से कितना घटाएंगे, 150 घटाएंगे, जीरो में से जीरो गए जीरो, एक इसमें सुधार लाएंगे, ये बनेगा 10, अब 10 में से 5 घटावा 5, यहां बचेगा कितना 4, क्योंकि एक हम उधार दिए हैं तो 4 बचेगा, तो 4 में से गए 3, यानी कितना आ गया 350 रुपए। अब सवाल तुम्हारी क्या बनती है, सवाल ये बन गई किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 30% लाभ पर बेच दिया गया तो वह वस्तु कितने रुपए में बेची गई, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु 350 रुपए में बेची गई। ये पार्ट वन का चौथा नियम है, इसको उतार लीजिएगा, नियम तो नियम वाइज लिख लीजिएगा, नियम लिखने से तुम्हें आसान रहेगा। कभी मान लीजिए इसे सीन आती है कि हमें क्रय मूल्य दिया गया है, प्रतिशत हानि दिया गया है और हमका विक्रय मूल्य निकाले का है, मान लीजिए दिमाग से उतर गया, हम अपना जो फेयर बनाए हैं उसमें हम देखेंगे, पार्ट वन में पूरा नियम बताया गया, पार्ट वन पार्ट टू में मतलब नियम वाइज हम बताएंगे, तो पार्ट वन में चौथा नियम देख लीजिए कैसा है, उसी तरह से लगा लीजिए। आगे देखिए नियम, देखिए पार्ट वन का आखिरी नियम, पांचवा नियम, तो पार्ट वन में आपको 5 नियम बताएंगे और पार्ट टू में 5 नियम बताएंगे, तो पार्ट वन का आखिरी यानी कि पांचवा नियम देखिए, पांचवा नियम क्या है, बच्चे हमारे लिखेंगे कॉपी बना लेंगे, आप पांचवा नियम में क्या है, जिसे सवाल ले लीजिए, किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोनो वस्तु लाया
लेकिन हमें नहीं मालूम है, भूल गए कितने रुपए में हमने खरीदा था। लेकिन इतना याद है कि 220 रुपए में जब हमने बेचा था तो 10% लाभ हुआ था। तो हम कितने रुपए में खरीदे, मतलब कितने वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो जब कभी तुम्हारे सामने अगर ऐसी सीन आती है कि हमें विक्रय मूल्य दिया गया हो, विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला मूल्य, अगर हमका बेचे वाला मूल्य देना है और प्रतिशत लाभ देना है और खरीदे वाला दाम निकाले कोई, खरीदने वाला मूल्य निकाले कोई, विक्रय मूल्य निकाले कोई, तो हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हमें तरीका मालूम होना चाहिए, पहले नियम मालूम होना चाहिए, रूल मालूम होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे कहेंगे कि बिना रूल के बताइए गुरु जी, मान लीजिए नियम नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे, तो जरूर बताएंगे। तो आज तो हम रूल से बता दे रहे हैं क्रय मूल्य निकालेगा। तो चूंकि क्रय मूल्य, सुंदर राइटिंग लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे, सुंदर राइटिंग लिखेंगे, बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। ये कहने का मतलब अगर हमें विक्रय मूल्य दीन हो, विक्रय मूल्य दीन हो, प्रतिशत लाभ दीन हो, क्रय मूल्य निकाले को, तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि अगर हमका विक्रय मूल्य देना है और प्रतिशत लाभ देना है और हमका क्रय मूल्य निकाले का है, तो क्रय मूल्य बराबर का होता है 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। अब देखिए बराबर है, बराबर लिखा, 100 है 100 लिखा, × विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना दिए है 220 रुपए, इसका मतलब जहां विक्रय मूल्य लिखा था यहां लिख देंगे 220 बटे 100 है 100 लिखा धन प्रतिशत लाभ। अब देखिए अब यहां लाभ नहीं लिखा गया है, यहां लिखा गया प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ हमें दिया गया है, अगर यहां लाभ होता तो हम लाभ निकालते, लेकिन लाभ तो लिखा नहीं है यहां, यहां तो लिखा गया प्रतिशत लाभ। तो इसका मतलब अब हम जहां लिखा गया प्रतिशत लाभ, हम प्रतिशत लाभ की जगह पर लिखेंगे 10। तो जी यहां प्रतिशत लाभ की जगह पर 10 लिखा, अगर यहां प्रतिशत लाभ अगर 20 हो तो यहां लिखिए प्रतिशत लाभ की जगह पर 20। तो अब का हो गया, देखा अब ये 100 × 220 बटे 100 है अधन 10 है। अभी देखिए बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं कि 100 में से 100 काट देते हैं, अगर ये भी इंटू में होता तो कट जाता, अगर प्लस या माइनस में है तो ये कभी नहीं कटेगा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती कतई मत करिएगा। तो यानी कि 100 ये धन 10 ये हो गई कितना 110, 110 हो गया। अब इसी को हमें काटना है। अब सुंदर राइटिंग में हम पहले बराबर लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में इसको लिखेंगे 100 × 220 बटे 110, जीरो से जीरो काट दिए, हमारा काट गया। अब जो संख्या से नीचे काटे हर का, वही संख्या से हम अंश को काटेंगे, जैसे अगर हम हर को अगर 11 से काटेंगे, 11 11 से अंश की संख्या भी काटेंगे 11 से ही, 11 × 22 बटे 1 का मतलब कुछ नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा कि 1 से काट दीजिए ये नहीं कटेगा, यदि 0 होता कट जाता। तो अब 100 × 200 सुंदर राइटिंग लिखेंगे 200 रुपए, इसका मतलब हमारा यानी कि एक सुंदर राइटिंग में काम ये लिखिएगा लाभ का, लाभ का विक्रय मूल्य, अब हमारा लाभ लाभ का क्रय मूल्य हमारा आ गया क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए, यही आंसर। तो कहने का मतलब ये है, याद रखिए पांचवा नियम, याद रखिए पांचवे नियम में क्या है, हमें विक्रय मूल्य दिया गया था, प्रतिशत लाभ दिया गया था और हमें क्रय मूल्य निकालना था। तो हम क्रय मूल्य कैसे निकाले, क्योंकि हम सूत्र से निकाले क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। अब इसी में हम मान रख दिए, हमारा खरीदने वाला दाम निकल गया, जैसा हम सवाल बताए थे किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है,
तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो पार्ट वन का पांचवा नियम है, लगा लीजिए। जय हिंद।